स्टैंडर्ड 9, सब्जेक्ट हिंदी, कोर्स बुक साहित्य सर्कल, पार्ट 2। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नाउ आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर बड़े घर की बेटी। तो फर्स्ट पार्ट में हम समझाए थे कि गुस्सा से क्रोधित होकर आनंदी के देवर, जो कि सिकंद सिंह का छोटा भाई, क्या किया है आनंदी के ऊपर में एक खड़ाओ फेंका है। तो आनंदी गुस्सा से और क्रोधित हो गई है। वो इंतजार की है कब उनका पति जो अंका आएंगे तो उनके पास में वो शिकायत करेगी। तो सिकंद सिंह शनिवार को घर आते हैं, तो बृहस्पतिवार को वो घटना घटी, बृहस्पतिवार से थर्सडे को, तो ऐसे घटना घटी है। सैटरडे को आते हैं तो दो दिन तक आनंदी अपना को भवन में रही, कुछ किसको ना बोली, ना खाना खाई, ना कुछ भी, बस वो सिकंद सिंह का इंतज़ार वो करते रहे कब वो आएंगे और उनको बताए। सिकंद सिंह आके पहुँचे, जैसे वो आते हैं तो गांव के लोगों से थोड़ा बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, वैसे होकर थोड़ा टाइम चला गया। जब उनका भाई एकांत में थोड़ा मिले, भाई क्या पहले बोल दिए कि भैया थोड़ा भाभी को आप समझा दीजिए, भाभी का इस तरह स्वभाव अच्छा नहीं है, जो कि घर परिवार को नष्ट कर देगा। इस तरह से वो शिकायत भाभी के अगेंस्ट में कर दिए। बेटा का साथ कौन दिए, ना उनका वहाँ पिताजी बेनी माधव सिंह ने उनका साथ दिए। वो बोले क्या, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुँह लगे। लाल बिहारी बोला, ये बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई क्या ना कुर्मी मांसाहार नहीं है। सिकंद ने चिंतित स्वर में कहा कि आखिर बात क्या हुई, तुमको पता कुछ नहीं था तो पूछे क्या क्या बात हुआ है, आखिर बात क्या हुआ है। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही आप उलझ पड़ी, बिना मतलब से मेरे ऊपर उलझ पड़ी, बहुत कुछ मुझे बोली है। मेके के सामने हम लोगों को वो कुछ समझती नहीं, वो मेके के सामने हम लोगों को तुच्छ समझती है। सिकंद के खा पी कर आंधे के पास जब गए तो भरी वहाँ पे बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे, आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न हो गया ना, भाई का बात सुनकर आप तो खुश हो गए ना, अभी क्या की ना। आनंदी सब कुछ बात बताई, क्या क्या हुआ था बताई, और बोलते बोलते वो रो भी पड़ी। ऐसे कि भाई ने मुझे ऐसे मांस बनाने के कहा, जितना घी था बना दिए, और उतना में किस तरह से बात हुआ, और वो क्या कही जे कि वहाँ इतना घी तो क्या नई कहार भी खा जाते हैं, इस तरह से बोली वो। तो इतनी ही सी बात में उसे अन्याय ने मुझ पर क्या किए ना खड़ाओ फेंक मारी, यदि हाथ से ना रोक लेते तो मेरा सिर फट जाता, आनंदी ये बोल दी। तो सिकंद सिंह के आँख लाल हो गई, बोले यहाँ तक हो गया और उसे छोकरे का साहस कि तुम्हारे ऊपर में वो खड़ाव फेंकेगा। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार उन्होंने रोने भी लगी। तो ऐसे होते माने वो किस सुन के क्रोधित तो हो गए। तो प्रातःकाल अपने पापा के पास हो गए, पिताजी के पास गए, जाकर बोले कि दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा, हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें से कहने से सिकंद सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं ही बातें कहने पड़ा। पहले पता है तुम लोग सम्मिलित कुटुंब के पक्ष में होते, घर में होते, किसी का घर में कोई झगड़ा होने से अपना मित्र को वो समझाते थे कि नहीं, जिस दिन जितना भी बड़ा घर में झगड़ा हो, जो भी हो, आपस में समाधान कर दो और अपना घर परिवार को नष्ट ना करो। परंतु सिकंद सिंह आज क्या किए, उनका जो समझा रहे थे जिस तरह से बातें, आज वो इस तरह से निभाए नहीं, वो भी उस तरह से क्रोधित होकर अपने पिताजी के पास जाके क्या बोले कि हम अलग रहेंगे। सिकंद सिंह की बात जैसे बोल दिए तो बेनी माधव सिंह ने घड़ा उठे और बोले कि नहीं ऐसे नहीं समझाएंगे, क्या हुआ तो इसीलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है, ये बोले कौन सिकंद सिंह ने, आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है, जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वो उनके सिर चढ़ते हैं, मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं,
यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूतों का बौछार होगा। कही वह कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो का कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर लाल मुंसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। ये उनको पिताजी को वो बोले। बिनी मधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक हो गए, पिताजी अवाक हो गए। केवल इतना ही बोले, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसे बातें क्यों करते हो? स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है, स्त्रियों का बात सुनना भी अच्छा नहीं है। ये इस तरह से समझाए कौन? उनके पिताजी। श्रीकंठ सिंह हट लगाए बैठे कि हम अलग रहेंगे, अगर वो रहेगा तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, अगर वो रहेगा तो हम यहाँ से घर छोड़ के हम चले जाएंगे। तो इसी बातों बातों में क्या हुआ ना, बेनी माधव सिंह ने थोड़ा भी गुस्सा हो गया, थोड़ा संबोले उनको कि लाल बिहार तुम्हारा भाई है, उससे कभी अगर भूल चुक हो जाए तो उसे कान पकड़ के उसको दंडित करो। इसका मतलब नहीं कि तुम खुद घर परिवार को छोड़ के चले जाओगे, ये गलत है। ठाकुर साहब चाहते थे कि दोनों भाई के बीच में सलाह हो जाए, परंतु ये मानने के लिए राजी नहीं थे कि उनका छोटा बेटा गलत किया है। भाभी के ऊपर में जो कड़ाव फेंका है वो गलत है, उसको मान नहीं रहे थे। लाल बिहारी लेकिन भाई को बहुत आदर करते थे। भाई के इस तरह से बात सुन के वो बहुत दुखी हो गए। तो लाल बिहारी के दरवाजे के चौखड़ पर चुपचाप खड़े बड़े भाई की बातें वो सुन रहा था, और श्रीकंठ के सामने चारपाई के पर बैठे जाए बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, ये उनका आदत ऐसे नहीं था। बाप का भी वो लिहाज ना करता था जितना बड़े भाई का वो करते थे। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, परंतु इस तरह से भाई का जो क्रोधित को रूप को देख के वो भी थोड़ा क्या है ना, डर भी गए और उनको खराब भी लगा, पश्चाताप होने वो लगे। ऐसे भाई के मुंह से आज इस तरह से हृदय विदारक बातें सुन के वो भी थोड़ा क्या हो गए ना, बड़े दुखी हुए। कौन? छोटे भाई दुखी हुए। भाई को आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भाई भैया क्या कहते हैं, परंतु सच बात में ऐसे हुआ कि भाई आज क्रोध आज भाई का क्रोध हो क्रोध का सामना वो करने वो कर रहे हैं। अभी वो पश्चाताप कर रहा है कि हम किस तरह से भाई के सामने जाएंगे और कैसे बोलेंगे, मेरा तो गलती हुआ है। तो वो कुछ कैसे जाएंगे और कैसे बोलेंगे, भाई को किस तरह से माफ़ी मांगेंगे वो समझ भी नहीं पा रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू अगेन दिस चैप्टर। थैंक यू।